हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज पूजा है तो उसी की तैयारी हो रही है। मैं नहाकर छत पे आ चुकी हूँ, भाभी नीचे आ रही है, मुझे छत साफ करना है इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। और कैसे होता है पूजा वो हम बताते हैं अभी आपको और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है। तो पूजा से पहले ये थोड़ा छत साफ कर ले रही थी। वैसे साफ तो रोज़ शाम को मैं पानी डालती हूँ, लेकिन अभी पूजा के स्थान पे थोड़ा साफ करना तो बनता ही था, तो वो कर रही थी। वो नहाने के बाद मैं पहले आकर यही सब करने लगी और यहाँ पर फिर पूजा की तैयारी करूँगी अभी मैं। सिंदूर ले ली है ना? सब चीज़ धोने के बाद यहाँ पांच जगह अर्घ दिया जाता है, तो उसकी तैयारी मैं कर रही थी। यहाँ पे फल में केला, सेब और अक्षत, धूप, सिंदूर, फूल, माला, दूभी, ये सब इस पे रखा जाएगा और चढ़ाया जाएगा सूर्यदेव पर। अभी भाभी उधर नहा रही थी क्योंकि ये गीले शरीर से ही दिया जाता है, गीले वस्त्र। गांव में तो अक्सर ये व्रत नदी पे होता है, जिस तरह से छठ पर्व होता है उस तरीके से ये किया जाता है नदी में ही खड़े होकर। लेकिन यहाँ पे अब नदी नहीं है तो नीचे वही पानी नदी का आकार बना दिया जाता है, उसे उसके चारों कोने पर फल रख के उसको एक नदी का स्वरूप मानकर ही किया जाता है। इसलिए गीले शरीर से किया जाता है, इस अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को। तो यहाँ सूर्य भाभी सूर्य देव खड़ी हो चुकी हैं और मैं उनको दे रही हूँ सब। अब उनको सिंदूर लगाकर, अब नाक, हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगता है तो वो मैंने लगा दिया भाभी को, तो अब अर्घ दे रही हूँ। छः महीनों के लिए स्टार्ट होता है ये व्रत और अभी नवंबर में स्टार्ट होता है और अभी इसका समापन था, तो ये समापन की पूजा है। इसमें शुरू और लास्ट में ही ऐसा होता है, नहीं तो बाकी संडे को तो ऐसे ही कर लिया जाता है। ये सूर्यदेव को शुरू, भाभी का पिछले दो दिनों से व्रत ही था। सूर्य देव को अर्घ दे दिया है और ऊपर का पूजा हो गया। अब नीचे चलेगा तो खीर पूरी ये सब बनेगा प्रसाद के लिए, तो वो चलिए दिखाते हैं आपको। पूजा में चावल का खीर और पूरी चढ़ता है, तो चावल का खीर मैं यहाँ पे बना रही थी, उसके लिए दूध उबलने के लिए रख दिया था और एक साइड में पूरियाँ भी तल रही थी। तो जब हो जाएगा तो पहले प्रसाद के लिए निकाल के फिर बाकी लोगों के लिए बनेगा। तो यहाँ अब खीर भी रेडी है लगभग।